बेटा लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ ली थी कि किडनी क्या होती है, उसकी कितनी रीनल फेट, रीनल फेसिया, रीनल कैप्सूल क्या होता है, मेडुल कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड क्या होती है, ठीक है, और क्या होगा कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या होते हैं, रीनल पेल्विस क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम चलते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं नेफ्रॉन को बेटा? तो नेफ्रॉन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की फंक्शनल और ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है बेटा। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा बेटा, यही पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ना इसको और ध्यान से बनाना, ठीक है। देखिए बेटा, इससे ज्यादा तो ब्राइटनेस नहीं हो सकती। अब ठीक है, चलिए अभी नहीं बनाना, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आपको वैसे ही बनाना है। अगर बेटा आप डायग्राम ढंग से बनाना सीख गए और डायग्राम से आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो आपको बायो पढ़ने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, आपको डायग्राम से पढ़ना है। इसको बेटा नाम दिया जाता है बॉमेल कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है? बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। इसके ऊपर में क्या आता है बेटा? इसके ऊपर में क्या आता है? इसमें आर्टरीज आती है जिससे ब्लड आता है जो फिल्टर होगा।
ये वाइडर होती है, ये नैरो होती है, ध्यान रखना। ये मैं ये क्यों होती है वो हम बाद में बताऊंगा बेटा। इसको बोलते हैं एफरेंट, AFFERENT। क्या बोलते हैं इसको? एफरेंट आर्टरियोल। और इसको बोलते हैं ईफ्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल। कोई दिक्कत? और यहां पर ये बहुत सारी कैपिलरीज में बदल जाएगा। इसको हम बोलते हैं इस पूरे को, मतलब ये जो अंदर से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में बट गया है, तो बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज में ये बट गया है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहां से आपकी एंग्जायटी में कई और तरीके से दिया है, लेकिन आप आराम से, कोई गलत नहीं करेगा इसको। ये देखो ऐसे कॉन्वोलुटेड है ना, कॉन्वोलुटेड है कि नहीं है? कॉन्वोलुटेड है कि नहीं है बेटा? यस और नो? अरे ऐसे ऐसी है ना कॉन्वोलुटेड, टेढ़ी मेढ़ी है ना, एकदम सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी है, कॉन्वोलुटेड है। तो क्या है इसके पास में है ना, दैट्स व्हाई इट नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड टिब्यूल्स। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। मतलब ये पास में जो टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसको हम PCT बोल दिया। कोई दिक्कत? अब यहां आके ये एक डक में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। इसको क्या बोलेंगे बेटा? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। ठीक है अनामिका? हाँ बेटा बोलिए। और यहां से देखिए बेटा, यहां से वो वापस जाती है, लेकिन जो असेंडिंग होगा वो क्या होगा? वाइडर होगा एज कंपेयर टू डिसेंडिंग। नहीं बेटा सही आ रहा है, बोर्ड बोर्ड विजिबल है बेटा क्लियरली आपको? बेटा बोर्ड विजिबल है क्लियरली?
तो बेटा आपका कनेक्शन देखिए, चलिए इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब ऑफ हैंड, सॉरी असेंडिंग लिंब ऑफ हैंड लिंब। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंड लिंब। क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं। कोई तकलीफ यहां पे किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बेटा? हैंडले साइंटिस्ट का नाम है बेटा, जिसने इसको उसके नाम से बोला जाता है इसको। अब ये यहां आप तो बनाना नहीं है एक बार, अब यहां जाकर ये वापस ऐसी ही स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। ये बताओ ये पास में है और ये क्या है? दूर है, तो इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वर्टेड टिब्यूल। क्या बोलेंगे इसको? डीसीटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? डीसीटी। ठीक है। और ये आगे जाकर एक डक्ट में खुल जाएगा। जिस डक्ट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, और उसमें एक से मतलब 8 से 10 नेफ्रॉन खुलते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। अब देखिए बेटा, सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब मैंने कहा हमारी किडनी क्या बनाती है? क्या बनाती है बेटा? यूरिन बनाती है। कैसे बनाएगी? यहां से हमारा कोई भी ब्लड आएगा, आएगा तो ये पाइप बड़ा है, ये मान लो ये इसका ल्यूमन बड़ा है और इसका ल्यूमन छोटा है। तो एक बात देखिए आप, एक टंकी में बड़े पाइप से पानी आ रहा है और छोटी पाइप से निकल रहा है, तो यहां पर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा इसमें बताइए? यहां पर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज। अब यहां पर मान लो ब्लड था, यहां पे ब्लड ही तो होता है, और ब्लड में क्या है? यूरिया भी है, ब्लड में क्या है? ग्लूकोज भी है, ब्लड में क्या है? वाटर भी है, ब्लड में क्या है? अमाइनो एसिड भी है, ब्लड में क्या है? सोडियम भी है, ब्लड में क्या है? पोटेशियम भी है। तो क्या हुआ, प्रेशर से कहां आ गया? वो छन के किधर आ जाएगा? थोड़ा बहुत यूरिया है, वाटर है, यूरिक एसिड है, सोडियम आयन है, ग्लूकोज है, ये नेफ्रॉन से क्या हो गया? छन गए ना भाई, इस प्रेशर पड़ा तो छन गए। तो इसको हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। जो नेफ्रॉन से छन के बाहर आता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। आया समझ में भाई? जो हो गया ना इधर भाई प्रेशर पड़ा तो कुछ ना कुछ छनके इस वो, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा है, ये ऐसा है बेटा। देखिए ये बोमेन कैप्सूल है और इसके अंदर क्या आया? ये चारों तरफ है तो यह प्रेशर आया चारों तरफ से, तो नीचे कुछ ना कुछ छनेगा ना अंदर, इसके छनेगा कि नहीं छनेगा? मैं क्या कह रहा हूं, यहां से ब्लड आएगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी,
ठीक है, और यहां से जाएगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो मान लो एक चेंबर है उसमें ज्यादा लिक्विड आ रहा है और निकल कम रहा है, तो मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या बढ़ गया। ये गुब्बारा नामक स्ट्रक्चर है नीचे, ऐसा खाली जगह है इसके, ये मान लो, तो वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ इसके अंदर प्रेशर बढ़ा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ा तो कुछ ना कुछ यहाँ से क्या हुआ, नीचे छन गया। अरे मान लीजिए मैं बताऊं आपको, चाय छानते हो आप, नीचे कप होता है ऊपर चाय होती है, ठीक है। अब हम चाय को ऊपर जोर से डालते हैं तो क्या होगा, वो चाय छन जाएगी ना नीचे, अगर मैं उसको दबा भी दूंगा तो वो और ज्यादा छनेगी कि नहीं छनेगी भाई। और हम क्या चाय को कोई रास्ता थोड़ी दे रहे हैं, वहां इसके बीच में जगह होती है, उनको पोडोसाइट बोलते हैं। वो 11th पे पढ़ोगे आप डिटेल में, जब 11th में जाओगे, 10th में इतना जरूरी नहीं है उसको पढ़ना, ठीक है। ठीक है, आई समझ में। तो ये इधर से आया, ठीक है भाई, यहां से पानी मान लो, एक ब्लड 1 मिनट में 1 लीटर, आपने 1 मिनट में मान लो 450 ml आ रहा है, तो इधर 1 मिनट में 450 थोड़ा निकले बाहर, निकलेगा कम ही निकलेगा वो, तो वो प्रेशर किस पे क्रिएट होगा, वो प्रेशर किस पे किया, वो ये एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट RTO, इस पे प्रेशर क्रिएट हुआ। अब यहां से ये इधर जाएगा, यहां से ये इधर जाएगा। अब लेकिन मैं कहा यूरिन के साथ तो बहुत सारी चीजें और एक्सक्रीट हो गई, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वाटर हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, क्लोरीन आयन हो गए, तो बेटा ये तो पंगा हो गया, आएगी नहीं आई समझ में। तो उसको वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है फ्रॉम PCT लूप ऑफ हेनले, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से, उसको जो अच्छी चीजें चीजें गई वापस रीअब्सॉर्ब करेंगे। अब मैं पढ़ाऊंगा जब फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन या किडनी पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं पढ़ाऊंगा, आप इसको बना लीजिए एक बार। ढंग से बनाना, आप क्या बनाते हो, इसको ऐसे बना देते हो, ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से बनाना इसको, बाउंड शेप में। इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है मेल पिग एंड बॉडी, नाम दिया जाता है मेल पिग एंड बॉडी। बनाइए इनको बेटा। बेटा जब मैं किडनी पढ़ा रहा हूं तो किडनी में होता है, जब किडनी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बता दी, एक्सक्रीशन तो कहां होगा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल,
बेटा आपका नेटवर्क चेक कीजिए आप। जसजोत बेटा आप अपना नेटवर्क आप ये पूरा क्लियरली आ रहा है बेटा बोर्ड? ये नाम है एफएंट आर्टवियो, ए डबल एफ ई आर ई एन टी आर्टवियो, ए आर टी ई आर आई ओ एन, ये है इफ्रेंट, ई डबल एफ ई आर ई एन टी इफ्रेंट आर्टवियो। इसको अंदर वाले जो ब्लड के जो कैपिलरीज बनी हुई है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। जो ये कॉन्वोलुटेड स्ट्रक्चर है ये बोमेन कैप्सूल के पास में है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल, ईसीटी बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट को लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले, लिंब का मतलब होता है पैर ऐसे बात करें तो, ठीक है। और इसको होते हैं असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले, ये है डीसीटी। ये प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास में, डिस्टल का मतलब होता है दूर, तो डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, ठीक है। और ये किसमें खुलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है बेटा, कोई दिक्कत? चलिए बेटा बना लिया सबने। इन टेस्ट अप टू द लास्ट क्लास बना लिया बेटा सबने? डोंट टेक स्क्रीनशॉट, ओके? ओके अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है किडनी के। फंक्शंस में अगर लिखेंगे नेफ्रोन फंक्शंस में लिखेंगे अपन, तो सबसे पहला फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या फिल्ट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन बोमेन कैप्सूल। अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था ना इधर, थोड़ी देर बाद में दोबारा डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन आएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जो लिक्विड आके बोमेन कैप्सूल में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलेंगे। अगर मैं बात करूं नेफ्रिक फिल्ट्रेट में होता क्या है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में H2O होता है, यूरिया,
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन आयन, इतना लिख लीजिए, पिगमेंट्स, जैसे क्रिएटिनिन है, इथ्यूरिक एसिड है ना, ये क्या होगा, फॉस्फेट है, ऑक्सलेट है, ये क्या होगा, ये बेसिक फिल्ट्रेट में होगा। तो जो फिल्ट्रेशन हुआ बोमेन कैप्सूल में, उसमें पानी भी है, यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, बाइकार्बोनेट है, क्लोरीन भी है, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ेगी। ये होता है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला। मैंने जब क्लास शुरू करवाई थी स्टार्टिंग ऑफ द डे में, आपको बताया था क्या होता है और किससे किसमें बनता है। ये लीवर में बनता है, लीवर में फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया, और उस साइकिल को बोलते हैं क्रैब हैंसलेट साइकिल। ये आपके काम की नहीं है, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो बता देता हूं। या इसको एक नाम दिया जाता है ओर्निथिन साइकिल। ठीक है बेटा, तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब द फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर आगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अगर दूसरी डेफिनेशन लिखू हो तो हम लिख सकते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाई या फ्रॉम ग्लोमेरुलस क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, चलिए बना लिख लीजिए बेटा। ये तो हुआ पहला फंक्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लीलांशु मेरा बेटा फर्स्ट लेक्चर देख लेना, टेंथ का एक्सक्रीशन फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब। डन बेटा, बना लिया सबने। बना लिया बेटा सबने। सबने नोट कर लिया बेटा। ओके, फंक्शन दूसरा होता है। अब मैंने क्या कहा बेटा, मैंने क्या कहा बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी थी वो चली गई अंदर। ग्लूकोज भी अच्छा है, अमाइनो एसिड भी, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, तो उनको रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो
तो उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब इन चीजों में, इन पीसीटी डीसीटी में कहां कहां क्या रीएब्जॉर्ब होता है, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं बेटा। आप उस डायग्राम में नहीं लिखोगे, आप भी दोबारा ही बनाओगे। ये क्या है? पीसीटी है। और ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब हेनले। ये असेंडिंग लिम्ब हेनले। और ये क्या है? कलेक्टिंग डस्ट। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया, सबको पता है इधर से आया था, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। जब इधर आएगा जो पीसीटी में, तो पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, मैक्सिमम यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी तो लिखा ही नहीं, पानी, रीएब्जॉर्ब हो रहा है ना बेटा, यहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे ये यहां आया, डिसेंडिंग में बेटा याद रखना सिर्फ किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? पानी का होता है, आयन का नहीं होता। किसका होता है? पानी का होता है। और असेंडिंग में किसका होता है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्ब, जो बचा हुआ सोडियम आयन पोटेशियम आयन है उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में कौन होगा? सोडियम आयन भी होगा, वाटर भी होगा, क्लोरीन भी होगा और बाइकार्बोनेट भी होगा। कोई दिक्कत? और कलेक्टिंग डक्ट में जाए तो यहां पे सिर्फ किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? H2O का होगा। तो मतलब जो लगभग जितना बना था वो का वो क्या हो गया? रीअब्जॉर्ब हो गया। समझ में आई बात? पीसीटी में वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड,
तो ये तो पीसीटी मैक्सिमम जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है बेटा? पीसीटी के प्रॉक्सिमल कॉनकेव ट्यूब्यूल में होता है। सिर्फ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है डिसेंडिंग लिंब ऑफ हैनले में, वहां पे आयन का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। जब ये असेंडिंग आती है तब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का होता है, और जो बचा खुचा और बच गया उसका सोडियम पोटेशियम का किसमें हो जाता है? डीसीटी में। और कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ किसका होता है? H2O का होता है। यहां पर एक हार्मोन भी काम करता है, यहां का जो एब्जॉर्प्शन, यहां पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में, कंट्रोल्ड बाय ADH, जिसको बोलते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन या वैसोप्रेसिन। ये किस पे काम करता है? ये यहां पे काम करता है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ये लिखा हुआ है ADH, ये क्या लिखा हुआ है? ADH लिखा हुआ है वहां पे, एंटी डाय, जहां जहां पे दिख नहीं रहा, जस्ट नोट आई विल रिमूव यू। वाट टाइप ऑफ, में इतनी बार मैसेज करना होता है कोई? अच्छा, देखिए तो अब देखिए, यहां पर जाके ये यहां से निकलेगा, उसको हम यूरिन कहेंगे। यहां जो फिल्टर हुआ उसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलेंगे, यूरिन नहीं बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट, यूरिन नहीं बोलेंगे। आगे जाके जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी, काम की सारी चीजों को हमने रीएब्जॉर्ब कर लिया, सारी चीजों को हमने क्या कर लिया? रीएब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंट्रोल्ड बाय ADH, इसका नाम है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। मतलब ये हार्मोन क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करवाता है, पानी को एब्जॉर्ब करवाता है। ये वैसोप्रेसिन क्या करता है? पानी को रीएब्जॉर्ब करवाता है। मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट में हमारी बॉडी से वाटर लॉस को कम करता है। जैसे ये कम हो जाएगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि अल्कोहल पीने से या चाय पीने से या कॉफी पीने से यूरिनेशन बार बार आता है, वो किस लिए आता है? कि वहां पे वैसोप्रेशन का अमाउंट, एक्टिविटी कम हो जाती है, तो पानी को वापस खींचने में उनको खींच नहीं पाते वो, ठीक है? तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता और यूरिन का आउटपुट ज्यादा होता है। लिख लीजिए बेटा, बेटा अगर अच्छे नंबर लाने हैं आपको तो ट्रिक को भूल जाइए, कोई ट्रिक नहीं होती है। लिख लिया बेटा?